आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कचौरी। चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। अब हम इसका आटा गूंद लेते हैं। मैंने ये जो है हाफ के जी मैदा ली है, और आप चाहें तो हाफ मैदा और हाफ आटा ले सकते हैं। अब मैंने इसको छान लिया है। उसमें जो है हम डालेंगे ये बड़ा सा टेबल स्पून जो होता है भरकर रिफाइंड ऑयल। देखिए इतना मैं डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा और डाल देंगे हम। और फिर अच्छे से इसको, और इसमें जो है मैं डाल दूँगी इतनी एक चुटकी के करीब अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए आपको, मैदा का कुछ भी बना रहे हैं तो। मिलकर डाल देंगे हम थोड़े से, और इसमें डाल देंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना पसंद करते हैं। और मैं हाथ से जो है अब इसको ऐसे मल लूँगी, जो हमने ऑयल डाला है उसको आपको मलना है। उसके बाद पानी ऐड करना है, पानी हल्के हल्के डालेंगे हम। देखिए अब जो है मैंने ऐसे मल लिया है। आप अगर इसको एक दो घंटा ना गूंद कर रख देंगे तो उससे अच्छे से बन जाती है, आटे के अंदर अच्छा सा वो आ जाता है। टाइट जो है डो इसका तैयार करना है, सॉफ्ट नहीं करना है। पानी बहुत ध्यान से डालना है आपको, जितना हार्ड डो बनेगा उतना ही अच्छा रहेगा। सॉफ्ट में जो है रखने से और सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा जो टाइट ही हम गूंदेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब मैंने जो है इतना पानी ऐड करने के बाद, अब मेरा इतना सूखा आटा रह गया है तो अब हम पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जितना सूखा आटा बचा है ना, हम इसको ऐसे कर कर गूंद कर अच्छे से ऐसे गूंदते रहेंगे, तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा और हमारा अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, सारी मैदा जो है इसमें ही एब्जॉर्ब कर लेंगे ऐसे ही सूखा। मेरा आटे का डो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना टाइट मैंने डो बनाया है, ऐसे ही टाइट बनाना है आपको, क्योंकि थोड़ा रखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा लगा दूंगी ऑयल, और इसको मैं रख दूंगी, इसको ढककर जो है मैं फ्रिज में रख दूंगी, ऐसे नहीं रखूंगी, क्योंकि ये ना थोड़ा पतला हो जाएगा अगर गर्मी का टाइम है तो। हम जो है इसको ऐसे ऑयल लगा कर, और एक इसको जो है किसी डब्बे में कर कर मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। जो है आटा गूंद गया, आटा हमने रख दिया है। अब हम कचौरियों के लिए तैयारी कर लेते हैं, चिकन कचौरी के लिए। अब मैंने जो है ये कढ़ाई रख दी है, अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, 1 टेबल स्पून के करीब, जितना कि चिकन हमारा फ्राई हो जाए। मैं इसको गर्म होने दूंगी, ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल दूंगी अपना ज़ीरा, ज़ीरा जब थोड़ा हो जाएगा तो मैंने जो है ये अदरक लहसुन का जो है कूट कर रख लिया है, 1/2 टेबल स्पून है, वो भी छोटा हुआ वाला, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। चिकन कचौरी जो है इसका बैटर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसका समोसा भी बना सकते हैं, कचौरी भी बना सकते हैं, मोमोज भी बना सकते हैं, लेकिन बैटर जो है वो ऐसे ही बनेगा। डाल देंगे हम इसमें, मैंने जो है ये चिकन लिया था इसको जो है ऐसे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है, मैं डाल दूँगी। तो मैंने अच्छे से धो लिया था नमक और तेल के पानी में, अब इसको मैं अदरक लहसुन के और जीरे के जो ऑयल में जो है इसको अच्छे से भूनूंगी, जो इससे जो है ऐसे भूनने से जो है टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो हमारा चिकन जल भी जाएगा। इसलिए मीडियम कर देना है आपको। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं 1/2 ये स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें वेजीज भी डालनी है थोड़ी सी। अब मैं इस टाइम पे फ्लेम कर दूंगी हाई, नमक डाला है। इसे कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही, 5 मिनट, 10 या 5 मिनट तक आपको ऐसे ही फ्राई करना है।
अब मैंने जो है अब इसको अच्छे से भून लिया है, क्योंकि लहसुन और अदरक का जो है तो कटन में चला गया है। अब हम इस टाइम पर डाल दूँगी मैं इसके अंदर नींबू, नींबू हाफ है, हाफ से भी थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो थोड़ा सा ही है। अगर आप हाफ के जी का बना रहे हैं तो हाफ नींबू डाल देना है इसके अंदर, अगर नींबू नहीं है तो आप जो है इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, पिसी हुई खटाई भी डाल सकते हैं, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी मैंने जो वेजीज जो हैं, वेजीज में कुछ ज़्यादा खास नहीं डालूंगी, आप चाहें ढेर सारी भी वेजीज डाल सकती हैं, मैं सिर्फ डाल रही हूँ ये पत्ता गोभी, वो भी मैंने 3 से 4 इसके जो है पत्ते ले लिए थे, और 2 हरी मिर्च ली है मैंने, और 1 छोटा प्याज लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें जो है ऐड कर दूँगी, कचौरी जो है काफ़ी तरीके से बनती है, थोड़ा सा ये मेरा खुद का स्टाइल है, ऐसे बनाती हूँ मैं, और लगती भी बहुत अच्छी है। अब इनको जो है हम साथ में वेजीज को अच्छे से फ्राई करेंगे, फ्लेम को अब हाई रखना है। अब हम जो है हमारा अच्छे से मैंने जो है तेज़ फ्लेम पर इसको जो है भून लिया है, फ्लेम आपको इस टाइम पर तेज़ ही रखना है, आप लो रखेंगे ना तो इसकी जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आप मिर्ची जो है ये हाफ टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये डब्बे के साथ जो स्पून आते हैं, और हाफ टेबल स्पून जो है इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ, और हाफ टेबल स्पून ही हल्दी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ये हमारा जो है देसी स्टाइल है। अब इसको फ्लेम को हाई करके मैं इसको भून लूँगी, जो है मैंने इसको तेज़ फ्लेम पर जो है भून लिया है अच्छे से। अब मैं जो है इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, बाकी का जो है आगे से कचौरियाँ जो बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने जो है ये आटे के जो पेड़े बना लिए हैं, ये देखिए 3। अब जो है मैं इसको फिलिंग भरने के लिए, अगर आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, वैसे जो है मैं ऐसे करके इसकी जो है लोई सी बना लूँगी आटे में लगा कर, ऐसे करके थोड़ा इसको बड़ा कर लूँगी, मैं हाथ से ही कर रही हूँ, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं इसको। मैंने सारी कचौरियाँ जो है ऐसी बना कर रख ली हैं, अब जो मैं इसको फ्राई करने के लिए फ्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको ये हमारी चिकन की कैसी बनी है। ये थोड़ा सा अगर आपका ये ऐसे हो जाए ना खुल जाए, क्योंकि मैंने मोटा मोटा कीमा करा है, अगर आप बारीक करेंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेगा ये, और ऐसे जो है हम इसको रख देंगे, अब हम फ्राई करते हैं। चलिए अब मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लिया है, मुझे जो है डीप फ्राई करना है तो मैंने जो है ज़्यादा से डाला है, इसलिए जो है हमें तेल जब हो जाएगा तो हम इसमें जो है मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं जो है इसके अंदर कचौरियाँ अपनी डाल दूँगी। तो ये वाली भी डाल देंगे हम, इसे जो है हल्के हल्के जो है प्रेस करेंगे, इसे जो है हमारी कचौरी अच्छे से फूल जाएंगी। ये कढ़ाई जो है छोटी है, अगर आप बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप 3 से 4 बीच में डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी कचौरियाँ कितने अच्छे से फूल गई हैं, क्योंकि हमारे आटे को रखे हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके थे, इस वजह से वो कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब फ्लेम को जो है मैंने मीडियम रख रखा है, हाई पर ऑयल गर्म किया था, और फ्लेम बहुत ध्यान से आपको पलटना है, मैं ऐसे ही होने दूँगी मीडियम फ्लेम पर। अगर हाई पे तलेंगे तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगी, और आप मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अच्छे से अंदर से ही पक जाएंगे ऊपर से भी। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, इसको जो है मैं बाहर निकाल लूँगी, ऐसे फूली फूली सी
कचौरियाँ जो हैं बनकर तैयार हो गई हैं। और मैं ये वाला पीस भी डाल दूँगी इसके अंदर और ऐसे मैं जो है इसमें सर्व करती हूँ। देखिए कितनी अच्छी कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं ये। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर मिंट सॉस, जो कि मैंने हरी मिर्च और पुदीना लहसुन और टमाटर से बनाई है। और इसमें डालता है मैंने नींबू, इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। मेरी जो ये कचौरियों की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।